जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरी नई वीडियो पर। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही रोजाना अपडेट्स लाता रहता हूं। तो दोस्तों, यदि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो यहां पर आप सभी के लिए काफ़ी अच्छा मौका आ चुका है। जी हां दोस्तों, यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर MTS और टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट निकाली गई है, जिसके अंदर महिलाएँ और पुरुष दोनों आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर सरकारी नौकरी पाने का आप सभी के लिए काफ़ी अच्छा मौका आ चुका है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर मिनिमम 10वीं पास योग्यता रखी गई है। दिसंबर के महीने में ये वैकेंसी आएगी। जी हाँ दोस्तों, अभी दिसंबर के महीने में इस वैकेंसी के फॉर्म भरे जा रहे हैं और एप्लीकेशन फॉर्म फीस यहाँ पर सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए बिल्कुल फ्री रखी गई है। दोस्तों, इस वैकेंसी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं, वीडियो को अंत तक देखना। और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी आप सभी के लिए मैं ऐसे ही जानकारी लेके आता रहता हूँ। सबसे पहले एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो MTS की पोस्ट के लिए यहाँ पर 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष की आयु सीमा रखी गई है और टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष की आयु सीमा रखी गई है। और दोस्तों, यहाँ पर SC ST कैटेगरी के लिए आयु सीमा के अंदर भी छूट रखी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो MTS की पोस्ट के लिए यहाँ पर 10वीं पास योग्यता मांगी गई है और दोस्तों, यहाँ पर टैक्स असिस्टेंट के लिए आपका बैचलर डिग्री होना अनिवार्य रखा गया है, यानी आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। सैलरी यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी दी जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि MTS की पोस्ट के लिए यहाँ पर 18,000 से लेकर 56,900 रुपये मंथली सैलरी दी जाएगी और दोस्तों, यहाँ पर टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये मंथली सैलरी दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों यहाँ पर रखा गया है, सबसे पहले आपका रिटर्न एग्ज़ाम लिया जाएगा, उसके बाद यहाँ पर जैसे कि टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट के लिए यहाँ पर टाइपिंग मांगी गई है तो टाइपिंग टेस्ट यहाँ पर लिया जाएगा। इन दो चरण में आपका सिलेक्शन किया जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फ़ीस की, तो दोस्तों यहाँ पर सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फ़ीस बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर ऑफलाइन मोड में आपको आवेदन करना है। ऑफलाइन फॉर्म आपको कहाँ पर मिलेगा इसके बारे में भी आपको आगे वीडियो के अंदर जानकारी मिलने वाली है। और साथ ही साथ आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हो, जी हाँ दोस्तों, आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हो, आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट की बात करें तो दोस्तों 31 दिसंबर 2021 तक इस वैकेंसी के फॉर्म भरे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, लास्ट डेट यहाँ पर 31 दिसंबर 2021 रखी गई है। ये हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर MTS और टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट निकाली गई है। दोस्तों, स्पोर्ट कोटा के अंदर की ये वैकेंसी रखी गई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड सर्टिफिकेट आपके पास होना अनिवार्य रखा गया है दोनों पोस्ट के लिए। और दोस्तों, यहाँ पर आपको ऑफिशियल एड्रेस भी दिया गया है, इसी एड्रेस पर आपको ऑफलाइन फॉर्म को भेजना होगा और ऑफलाइन फॉर्म आपको इसी नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फॉर्म की प्रिंट आउट निकलवा के इसको पूरा फिल आपको करना होगा और यहाँ पर आपका पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा और डॉक्यूमेंट की जीरोस के साथ आपको इस फॉर्म को इंडियन पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट के थ्रू इस ऑफिशियल एड्रेस पे भेजना होगा। आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हो, आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको सारी जानकारी दे दी है, आप यहां से पूरी जानकारी ले सकते हैं स्पोर्ट कोटा से रिलेटेड। दोस्तों, ये रही सारी जानकारी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, आगे भी आप सभी के लिए मैं ऐसी जानकारी लेके आता रहता हूँ।